इसको ये कॉफ़ी पाउडर और टी पाउडर डालने के बाद, ठीक है, इसको ब्रूइंग करना है। ब्रूइंग करने के लिए यहाँ पे जो बेक लिखा हुआ है ना, ऑप्शन आ रहा है ना, देख रहे हो, बेक बेक पे क्लिक करना है, ठीक है। ठीक बेक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या अभी ख़त्म हुआ है, चाय ख़त्म हुआ है ना, कॉफ़ी ख़त्म हुआ है ना, मतलब नहीं है, स्टार्टिंग है ना। तो सबसे पहले कॉफ़ी को करना है, कॉफ़ी को क्लिक करो, ठीक है। कॉफ़ी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आता है, ठीक है। पासवर्ड डालो 6666, मतलब 4 बार चार सिक्स सिक्स है, ठीक डालना है, ठीक है, 4 बार 6 डालना है और एंटर करना है, ऑटोमेटिकली ब्रूइंग हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इसको कॉफ़ी को ब्रूइंग करने के लिए, टी को ब्रूइंग करने के लिए बेक करो, फिर से चाय भेजो, ठीक है, एंटर करो, सिक्स 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 सिक्स, सिक्स डालो, एंटर करो, ठीक है। करने ठीक से क्या होगा, टी भी ठीक ब्रूइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसके बाद इसको बंद कर दो, थोड़ा टाइम लगेगा ब्रूइंग होने में, ठीक है। इसके बाद मिल्क ना, मिल्क इधर मिल्क डालो, ठीक है। इसका स्विच इधर है, मिल्क का ठीक स्विच और ये मशीन का स्विच दोनों इधर है, ठीक है। तो स्विच ऑन करो अच्छे से करके, और थोड़ा टाइम लगेगा इसको हीटिंग होने में, ठीक है। जब ये क्या ब्रूइंग है? ठीक मिल्क का इसमें मिल्क डालते हैं अभी, ठीक है। चाहता है ब्रूइंग होने का टाइम पे दोनों में डालता है, ठीक है। अभी एक में डाल रहा है, ओके। इसको सेटअप करो, ब्रूइंग की तरह हो रहा है, ठीक है। तब तक तुमको क्या करना है, सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे सेटअप है ना, ये देखना है अच्छे से, पूरा सेटअप होना चाहिए, ये भी सेटअप होना चाहिए, ये भी पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन होना, बिस्किट करेक्ट होना, टी ये बॉक्स पूरा ओपन चेक करना, ठीक है। कप्स देखो, पूरा कप्स करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ग्लास, ग्लास पूरा चेक करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हो गया फाइनल, शाम तक हो गया, ठीक है। बीच में अगर कॉफ़ी ख़त्म होता है, टी ख़त्म होता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, चाय ब्रूइंग लो बीच, मतलब ये है कि चाय अभी कम है, कॉफ़ी ब्रूइंग लो बीच, मतलब कॉफ़ी अभी कम है। तो उस टाइम पे बोला ना, जैसे कि अंदर चेक करके देखो कितना है, ठीक है, हिसाब होता है। जैसे कि अभी 1 आवर है हमको मशीन बंद करने के लिए, तो चेक करो देखो, अगर 10-15 कप है तो मत करो ब्रूइंग, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा है तो ब्रूइंग करो, ब्रूइंग करना पड़ेगा क्योंकि बाद में टाइम लगेगा, ठीक है। चेक करो, इसको चेक करो, अंदर भी चेक करो, ब्रूइंग है कि नहीं देख के फिर करो, ठीक है। इसके बाद अभी फाइनल मान लो तुम्हारा हो गया, अभी तुमको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग का टाइम पे क्या आता है, सबसे पहले थोड़ा पीछे जाओ, क्लोजिंग का टाइम पे ये जो ये मशीन काम कर देता है हमारा, ठीक है, इसको निकलना है, ये भी अंदर रहता है ना, इसको भी निकलना है, ठीक है, इसको भी वॉश करना है, ठीक है, इसको भी वॉश करना है, ठीक है, और इसको भी निकालना है, ठीक है, ठीक, इसको भी निकालना है। इसको देखो जैसे निकलता है ना, ये सिग्नल देख रहे हो ना, जैसे निकलता है वैसे ही डालना है फिर, ठीक है, बाद में क्लीनिंग करने के बाद उल्टा पुलटा मत डालो, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको भी सेम टू सेम देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सिग्नल है ना, ये कभी भी इस सेट पे होना है, ठीक है, उस सेट पे नहीं तो प्रॉब्लम होता है मशीन का, ठीक है। इसको अच्छे से देख के सेट करो, ठीक है, जब क्लीन हो जाए। क्लीनिंग करने के लिए क्या करना है, इसको भी निकालना है बाहर, ठीक है। इसको भी मान लो हमने निकाल लिया, इसको भी, ठीक है, ये वॉशिंग है किधर है, वॉशिंग है आपका, फोर्थ फ्लोर पे तो जाके करना है, ठीक। रुको, मान लो हमने इसको भी निकाला, इसको भी निकाला, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, पूरा एम्प्टी है, ओनली डिकाशन अंदर है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना है, मशीन को क्लोज करना है, यहाँ पे एक बर्तन लेके आना है, बड़ा वाला बकेट, बकेट में बड़ा वाला एक पैकेट यहाँ पे रखना है, ठीक है, बड़ा वाला एक बकेट रखना है। ये जो मिल्क का पाइप है, किधर है भाई, भाई ये ऐसा वाला में भी रख सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको भी निकाल के इधर डालो, ठीक है, और ये पाइप है ना, ये पाइप को निकालो, निकाल के अच्छे से साफ करो, फिर इसमें एक हॉट वाटर ले लो, एक ग्लास हॉट वाटर ले लो, पाइप को इधर रखो, ठीक है। मशीन को ओपन करो, ओपन करो, यहाँ पे बर्तन रखो, ठीक है। रखने के बाद यहाँ पे जाओ, देखो स्क्रीन पे आओ,
फिर यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है ना, सेटिंग हो गया। सेटिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा 3 3 0 3 0 1, इसको दबाने के बाद इंटर रहना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो व्हाट डू यू वांट टू पब्लिश लिखाता है, ठीक है। वो बोल रहा है तुम अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम इसको आगे क्लियर करना चाहते हो, बोल रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको फुल मशीन मार देगा ना, पूरा जितना भी डिकॉशन है ना, पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी मारेगा तो पूरा नीचे आ जाएगा, तो उस टाइम पे उसको फुल मारना है, ठीक है। फुल मारेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा पानी यहाँ पे आ जाएगा, बकेट में आ जाएगा, ठीक है। जब देखेगा थोड़ा पानी बचा है ना, अंदर डिकॉशन बचा है ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हॉट वाटर ले लो, ऐसे डालो, थोड़ा सा ले लो, कॉफ़ी में भी डालो, तब थोड़ा गंदा नीचे रहेगा तो वो पानी के साथ डिकॉशन के साथ पूरा कचरा इधर से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करेगा तो बस ख़त्म। इसके बाद देखते हो फिर भी गंदा है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था ना कितना क्लियर है, ज़्यादा गंदा है ना, तो एक अच्छा कपड़ा ग्लोथ ले लो, अच्छा लाइक लेके अच्छे से वॉश करो, करके एक बार अंदर से साफ कर, ठीक ठीक है। साफ करके फिर पूरा मशीन एक बार साफ कर लो, ठीक है। एकदम ये सब, ये भी, ठीक है। उसके बाद ये वो पूरा साफ कर लो, मिल्क का कंटेनर क्लीन कर लो, ठीक है, क्लीन कर लो। और क्या करना है, जाने का टाइम पे ये क्लीन हो गया ना, तो उस टाइम पे एम्प्लॉय भी नहीं रहता, एक दो एम्प्लॉय रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, जाके राउंडिंग करना है, राउंडिंग करके पूरा कप कलेक्ट करो, कप कलेक्ट करके इसको वॉश करो, ठीक है। तो आप कलेक्ट करो, कलेक्ट करके वॉश करके फिर ला के रखो, देखो कबर्ड में ऐसा रखा है ना, कलेक्ट करो, ठीक है। दूसरा फ्लोर में ऊपर रखा हुआ रहता है ना, इसे ऊपर में रखो और डाल के रखो, ठीक है। और क्या करना है, ये पूरा हो गया ना तो तुमको क्या करना है, पानी है ना सभी फ्लोर में, देखो दुकान दुकान है ना, मैंने डाल के रखा है सभी फ्लोर में, टू टूकन डाल दिया, तुमको भी ऐसा टू टूकन डाल के रखना है, ठीक है। सभी फ्लोर में टू टूकन रखना है, फिर सुपरवाइजर को बोलो सर सभी फ्लोर में दो दुकान है, और नीचे कितना है, नीचे बेसमेंट में कितना है, एम्प्टीकन कितना है, फुल कितना है, उसको एक बार इन्फॉर्म दे दो, ठीक है। वो बोल देगा, ग्रुप में मैसेज डाल देगा, ठीक है। याद करके ये करना, और ये पाइप है ना, क्या तो पाइप वॉश, ये ऑटोमेटिकली ये जब हम फुलिश मारेगा ना, ऑटोमेटिकली ये क्लीन करके पूरा नीचे आ जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और याद रहे जब तुम इसको मतलब क्लीन करने का टाइम पे, ये जो है ना देखो, ये पूरा बाहर आना चाहिए, ठीक है, बाहर आना चाहिए। और जब उधर फुलिश मारेगा 3 0 1 जब मारेगा ना, मारने का पहले इधर एक पॉकेट रखना है, नहीं तो पूरा गंदा होकर नीचे आता है, पूरा ये पॉइंट पे वॉश हो गया, हाँ वॉश हो गया, नीचे पूरा आता है, इसलिए बकेट रखो, उसके बाद फुलिश मारो, ठीक है, ठीक है। याद करके ये करो, उतना ही है, कुछ डाउट है बाद में चनप्पा को पूछो, मेरे को पूछो, मैं तुमको बोलेगा 100%, ठीक है। और याद करके कल के जैसा मत करना, ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट है क्लियर करता हूँ, डाउट नहीं, ठीक है।